हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम करेंगे बैक डे। आज हमें जाना था सुबह जिम, लेकिन आयरनी ऑफ लाइफ इज कि हमने एक दिन पहले ही मजाक उड़ाया कि यार कराची वालों से उठा नहीं जाता सुबह, सुबह को आता ही नहीं है भाई, कराची लोग उठते ही 12 बजे, और आज हम दोनों सोते रह गए। तो आज हम करेंगे शाम में जिम। मसला एक ये कि मैंने खाना नहीं खाया बिकॉज मैं लेट उठा था आधी आधी रात तक, तो मैं एडिट कर रहा हूँ बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल ऑलमोस्ट डेली व्लॉगिंग चल रही, देयर इज नो इन बिटवीन। या तो भाई के व्लॉग्स डेली आते हैं या फिर महीने में दो आते हैं या फिर मैं गायब हो जाता हूँ। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू बाय आईफोन 14। तो अगर मेरे पास अभी जिससे मैं शूट कर रहा हूँ इट इज़ अ 12 प्रो, तो अगर किसी के पास 14 प्रो हो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताया कि इज देयर अ बिग डिफरेंस, यानी कि पैसे लगाने चाहिए, इज़ इट वर्थ इट, या फिर 12 प्रो इज़ गुड इनफ। सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के एतबार से ही बोल रहा हूँ, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अगर आपके पास है। आज काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि आज शाम में जा रहे हैं। ये तुम बता क्यों रहे हो, ये तो बताओ। आप खाना खा के आ चुके हैं हम गलती से खाना भर के खा लिया, देखते क्या सीन होता है। बोला बस भाई 5 या 6 लगे, 6 लगे। पुल अप इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एक्सरसाइज। अपना वेट उठाना सीख लोगे ना अगर, हाँ तो आप कुछ भी उठा सकते। जो बात है अपना वेट उठाने से। एक साइड और करना है। हमारी जान निकल गई पुलअप में। तुम पूछ रहे संडे को मैच था, संडे को था स्टूडेंट में, ड्रॉ हो गया मैच। वीडियो नहीं देखी? हाँ ऐसे ही बोल रहे हो, हाँ वरना तुम्हें पता होता। वीडियो देखी, ग्राउंड नहीं पता चला। खत्म थे हम दोनों टीमें, तैयारी नहीं थी सुपर ओवर के लिए। अगर होता भी सब मर रहे थे, वेट कर रहे थे मैच एंड। इतनी गर्मी, बहुत क्रिकेट खेली, इतनी गर्मी कभी नहीं थी यार। मैंने खाया मस्त दाल चावल, मसूर की दाल। मतलब जिम आना था, ज़्यादा भर के नहीं खाया आपने बोला था, वरना तो अभी तो खाइए बिल्कुल। निकलने से आखिरी लुकमा लिया मैंने और मैं आपके लिए निकल गया जिम के लिए। तो सुबह में तो यार 2-3 खजूर लेता हूँ, आ जाता हूँ, फिर जाके आराम से मस्त होके पराठा चिकन। तो मैच देखा अफगानिस्तान का, सॉरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखा? रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है। हमारी टीम में भी एक रोहित शर्मा है, क्रेग एंडोर का कप्तान। नहीं नहीं मान रहे हो तुम, क्या मतलब मानना ही नहीं है।
कैप्टन इनिंग्स नहीं खेलते वो, क्विक फायर 18-16 रन बनाते हैं वो। मादा देख रहे हो, हंस रहा है तुम्हारा बंदा, बहुत लाइट वेट लगा रहे हो यार तुम, इतना लाइट वेट क्यों लगाते हो यार? लाइट वेट है ना ना। अरे जिम में अच्छी चीज़ है कि जैसे ये दिखाओ, ये बैंड हो गया, बेल्ट हो गई, वो सारी चीज़ें एक एक इन्होंने रखी हुई हैं, घर से लानी पड़ती हैं वरना। शाबाश शाबाश शाबाश, टू मोर। नहीं देखो, जब अपना लाइट वेट कर लो ना, मेरा हैवी कर दिया था, 2-4 प्लेटें ऐड कर दिया, ठीक है ना? एक बार गलती होगी, बार बार ना होगी गलती, ठीक है? वेट कम कर दो तुम्हारा। अच्छा पोजिंग उस्ताद, पोजिंग वाली बॉडी तो बन जाए पहले, बस तो जान निकल ली है। सात जान निकल ली है यार, बस शबा शबा पुश यार। तुम मुझे देखते छोटा वेट क्यों बोल देते हो, तुम्हें क्या लगता है? जान नहीं मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है। लाइट है यार, ये दोनों 16 के ही, ये 20 का, 20 पे उठाएंगे। वेट की कोई जल्दी नहीं है, ज़्यादा वेट मारने की कोई जल्दी नहीं है। नहीं आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, जब वेट मारेगा ज़्यादा, वरना ज़्यादा पीछे ले आ रहा था मैं, ठीक है जवान। मैं 16 से आगे नहीं बढ़ाऊँगा, सही है? दाल चावल मुंह में आ रहे हैं। जहाँ तक आ गया खाना, नहीं नहीं आप सेट हो गए, बेल्ट बेल्ट पहन लिए जवान ने, बेल्ट दिखाया बहुत अच्छे बॉय ने, बेल्ट पहन लिए। 8 निकाल दूँ क्या 20 से? छोड़ दूँ, 8 रैप निकाल लूँगा, मैं भूल गया करते करते। ये बात डेविड लेट ने बोली थी सी बम को, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा दैट्स व्हाई यू आर सो स्मॉल। What? That's about right. What'd you start? Because we have like all these other sets that I have to save my fuel. That's not how working it works. What? You don't save your fuel. But then you're just gonna be exhausted. How are you gonna make any progress if you're not taking anything close to failure? One, two, three. Huh? Shape आ गई एक ही दिन में। ओए ओए, कोबरा कोबरा ऐसा बना हुआ है। अरे हाँ ये एंगल सही है। बहुत इजी लगती है ना ये, इजी लग रही है ना ये, बहुत है नहीं लेकिन जान निकलती है इसमें। हालत बुरी, बहुत दिनों बाद लगा रहे हो क्या बैक? नहीं ये हार्ड है, ये वाले एक्सरसाइज हार्ड है। मेरा स्टैमिना सही नहीं है, 3 महीने बाद वर्कआउट कर रहा हूँ, ऐसा है। तारीफ कर दे ब्लॉग में, कोई मसला नहीं, अगर बुरा भी है ना बोल दे अच्छा है। ब्लॉगिंग का स्टैमिना बहुत अच्छा है, ब्लॉगिंग का भी अच्छा है और वर्कआउट का भी अच्छा है, नो डाउट। पूरे बैक का एक एक मसल फील हो रहा है मुझे करते हुए, मज़ा तो आ रहा है बहुत। जान निकल ली आज हम दोनों, बहुत पसीना है, हालांकि एसी ऑन है यार, ये एक्चुअली बहुत गर्मी है यार। जिम में और पंखे लग गए हैं, एसी भी है, लेकिन भाई गर्मी कैसे हिला रहा था मैं तो, हिल नहीं रहा अबे, तो पता नहीं क्या हो रहा है।
मैं आधा लगाया, आधा वेट कर दिया। तुम्हारे वेट का मैंने आधा कर दिया, हिल कैसे रहा था? समझ गया। बस कंधे हिलाऊं, आगे शोल्डर बड़े प्यारे आ रहे हैं तुम्हारे। यही कह रहे थे आज ऑलमोस्ट 20 भी कर दी, ऑलमोस्ट मज़ा भी आ गया। अच्छा अभी बिगनिंग है तो डेडलिफ्ट नहीं लगवाना चाहिए। हाँ नहीं नहीं भाई, डेड हो जाऊँगा डेडलिफ्ट लगा के आज भाई। एक प्लेट ये बहुत मोटी है यार। अब ख़त्म हाँ, आवाज़ भी नहीं आ रही मेरे। हाँ वेट चेक हो जाए। अच्छा मिल्क शेक हो जाए। हाँ सर पिए बाहर से भी नहीं भाई। वर्कआउट के बाद आके खाना वगैरह खा लिया, वो हमारा हो गया था। एंड दिस इज़ एक्चुअली द नेक्स्ट डे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड। और एक चीज़ जो कि अपडेट देनी, वो ये कि सब पूछते थे मेरा नया बैट कहाँ है, वो गया हुआ था ऑलरेडी मॉडिफाई होने। जैसे मैंने बताया था कि उसका वेट मुझे ज़रा सा हैवी लगा था, इसकी वजह से उसका बैलेंस आउट था, वो आ चुका था। लेकिन फिर नेट्स में मैंने यॉर्कर खेली और उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं हाल क्या हुआ। हो जाता है अच्छे अच्छे बैट्स, आप इंटरनेशनल में भी देखें वो हो जाता है। द बेस्ट थिंग अबाउट MIPK इज़ देयर सर्विस। और जैसा ही हमने उनके ओनर को मैसेज किया कि भाई ये हो गया, तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, एक वीक बाद, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो एक वीक बाद हम आपको नया बैट दे देंगे। तो मेरे जब तक MIPK का पुराना वाला यूज़ करूँगा, वो जिसका टो कर्व था, तो वही वाला यूज़ करेंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उससे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा एक और नया बैट नहीं आ जाता। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।